If a circle passing through the point minus 1 comma 0 and touches the y-axis at 0 comma 2, then the length of the chord of the circle along the x-axis is. तो अगर हम देखेंगे ये एक हमारा सर्कल है जो 0 comma 2 पे y-axis को टच कर रहा है और यहाँ पे एक पॉइंट है हमारे पास में minus 1 comma 0, इसके ऊपर क्या कर रहा है वो सर्कल को मतलब x-axis को कट कर रहा है. तो हमसे पूछा है कि x-axis के along जो हमारे then the length of the chord of the circle along the x-axis is. तो अब एक चीज हमें पता होती है कि टेंजेंट जैसे ये जो हमारे पास में क्या है वाई एक्सिस है ये क्या है इसकी टेंजेंट होगी सर्कल की. तो ऑब्वियसली इसके जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसके ऊपर हमारा सेंटर होगा. तो अगर हमारे इसकी रेडियस लेट से आर है तो वाई कोऑर्डिनेट तो इसका 2 ही होगा क्योंकि उसके एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है. लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा माइनस ऑफ आर कॉमा 2. तो ये हो जाएंगे हमारे पास में सेंटर के कोऑर्डिनेट्स. अब इसकी क्या है जो हमारे पास में माइनस वन कॉमा जीरो जो पॉइंट है अगर ये इससे भी पास कर रहा है तो इससे भी डिस्टेंस किसके इक्वल होगी रेडियस के इक्वल होगी. तो अगर हम देखते हैं इसे क्या लिखता हूं मैं अगर ये मेरा सेंटर का पॉइंट ओ है दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी तो ओ बी स्क्वायर भी क्या हो जाएगा आर स्क्वायर के इक्वल. तो ऐसे वैल्यू आ जाएगी ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. अब ओ क्या होता है माइनस आर माइनस माइनस वन तो वैल्यू आ जाएगी व्हाट क्या r माइनस वन का स्क्वायर. यहाँ पे लिखते हैं हम r माइनस वन का स्क्वायर ठीक है क्योंकि क्या करा मैंने माइनस r माइनस माइनस वन क्या हो गया r माइनस क्या हो जाएगा वो वन माइनस r हो जाएगा. लेकिन स्क्वायर लिखने में मुझसे r माइनस वन का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ ठीक है. फिर आएगा प्लस में टू स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर. सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू क्या जाएगी यहाँ से हमारे पास में यहाँ से देगा टू आर माइनस प्लस वन और फिर क्या है आर स्क्वायर भी आ जाएगा. ये लिखा हुआ है r माइनस वन का होल स्क्वायर लिखा है हमने आर स्क्वायर माइनस टू आर प्लस वन. फिर आएगा प्लस में फोर इज इक्वल टू आर स्क्वायर तो यहाँ से आर की वैल्यू देगी हमारे पास में फाइव बाय टू. तो अगर आर की वैल्यू हमारे पास में फाइव बाय टू आई है ठीक है. अब ये वाली साइड हमारे पास में कितनी थी ये रेडियस फाइव बाय टू है. हमें पता है वाई कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट ये वाई कोऑर्डिनेट ये हमारे पास में टू के इक्वल है ठीक है क्योंकि हमें इसी कोऑर्डिनेट पता है ना 0 कॉमा 2 तो y कोऑर्डिनेट 2 गया. तो ये बची हुई लेंथ कितनी हो जाएगी हाफ हमारे पास में हाफ ऑफ कॉर्ड हो जाएगी ना ये x एक्सिस के अलोंग. तो इसे हम पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट कर सकते हैं. देखते हैं कितनी आती है ये हमारे पास में लेट सी. तो अगर ये पॉइंट मेरा d है जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहां से सेंटर से इसके ऊपर तो ये हो जाएगा हमारे पास में bd की लेंथ कितनी हो जाएगी bd इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 बाय 4 माइनस 4 which is equal to BD की वैल्यू क्या यहाँ से 3/2. तो BD अगर 3/2 है और ये पॉइंट E है तो हमारे पास में BE की वैल्यू कितनी होगी BE is equal to 2 into 3/2 which is 3. So answer for this question is option C.